लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन में ऐसे दल भी शामिल है जो कि अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं। और जैसा कि इसी हफ्ते जनवरी में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता चर्चा करने वाले हैं, सूत्रों से यही खबर सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल पे अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि एक दूसरे पर कोई ना कोई बयानबाजी करते हुए नेता नजर आ रहे हैं, कभी अधीर रंजन चौधरी तो कभी टीएमसी के नेता। हाल ही में बयान सामने आया है टीएमसी के नेता कुणाल घोष का। बीते कल ही कुणाल घोष का एक बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने बीजेपी का दलाल बता दिया है कांग्रेस को। जी हाँ, बंगाल कांग्रेस को बीजेपी का दलाल बताते हुए उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल बीते कल ही वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया को देख रही है, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। इन बंगाल द स्टेट कांग्रेस दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ दलाल ऑफ भाजपा, बिकॉज इन 2021 तृणमूल कांग्रेस फॉट द बैटल एंड डिफीटेड बीजेपी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ हम आपको बता दें कि कुणाल घोष यही नहीं रुके, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और इसी बीच उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जो बंगाल में चुनाव संपन्न हुए थे उसमें भले ही कांग्रेस को कोई जीत वैसी हासिल नहीं हुई थी, उतनी सीट नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने टीएमसी को काफी नुकसान पहुंचवाया था और बीजेपी को फायदा पहुंचवाया था। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। When this Congress and CPM made an alliance and only to vote, create vote division and help BJP, they fought the election and got zero, just zero. So there is no significance of Congress in this state. But for the sake of greater interest and India alliance, Mamata Didi is talking with central leadership and in proper time she will inform you. बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कुछ चर्चा सही स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन सीट शेयरिंग को लेकर बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। सबसे पहले खुद सीएम ममता बनर्जी कह देती है कि बंगाल में वो अकेले ही काफी है बीजेपी से लड़ने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ये बयान दे देते हैं कि ममता बनर्जी खुद ही गठबंधन नहीं चाहती है। तो वहीं इसी बीच कुणाल घोष का बयान सामने आ जाता है जिसमें वो बंगाल कांग्रेस को बीजेपी का दलाल तक कह देते हैं। देखा जाए कुल मिलाकर तो सीट शेयरिंग स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्ट चर्चा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं से एक बार फिर से इंडिया में फूट नजर आ रही है। इंडिया जोर सारा भारतवर्ष থাকবে আর বাংলা তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে, মনে রাখবেন বাংলা তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোন পার্টি নয়। আর সবাইকে দেখলেই বলছে চোর চোর, সবচেয়ে বড় চোরদের ডাকাতদের সর্দার ওরা, এক একটা কোটি কোটি টাকার মালিক। বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন, আর তৃণমূল করলেই জেলে ভরো, বলছে সব নেতাদের জেলে ভরো, জেলে ভরে রেখে দিচ্ছে তার কারণ যাতে ইলেকশনটা করতে না পারে, যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে। বিজেপির কোটা চোর গ্রেপ্তার হয়েছে সারা ভারতবর্ষে, আমি জানতে চাই। শুধু এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে এজেন্সিকে দিয়ে, আবার নেতারা বলছেন গ্রেপ্তার বাড়াও। আজকে এত দর্ব, এত অহংকার কিসের জন্য? আগেও অনেক গভর্নমেন্ট ছিল, কোনোদিন এই জিনিস হয়নি। আজকে আপনারা দেখেছেন পার্লামেন্টে 150 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে রেখে দিয়েছে, কোনোদিন হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে? কোনোদিন হয়নি। যা চলছে অত্যাচার সন্ত্রাস, আপনারা দেখেছেন সংখ্যালঘুদের ওপর, খ্রিস্টানদের ওপর, দলিতদের ওপর, তপশিলীদের ওপর, আদিবাসীদের ওপর, সারা ভারতবর্ষে কি অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এই অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য ডাক দিয়ে যাই নাগিনীর সাথে যারা সংগ্রামের তরে
বস্তু ধন ঘরে ঘরে। আমি ছাত্র যৌবনদের বলবো আরো বেশি করে এগিয়ে আসুন এবং একসাথে কাজ করুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন দেশমাতৃকার জন্য, রাজ্যের জন্য, মানুষের জন্য। ইন্ডিয়া জোর সারা ভারতবর্ষ থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। বহরহাল আপ ইয়ে দেখনে ওয়ালি বাত হোগি কি ভলে হি জিস ইন্ডিয়া গঠবন্ধন কা নির্মাণ কিয়া গিয়া থা কেন্দ্র কি সত্তা সে বিজেপি কো হটানে কে লিয়ে, লেকিন উসি মে হি কুছ ভি ঠিক নহি চল রাহা হ্যায়। ये वक्त ही बताएगा कि आगे चलकर लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक हो पाता है क्या, विपक्ष एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ पाता है, या फिर लोकसभा चुनाव आने से पहले ही इसमें फूट देखने को मिलती है, ये बिखर जाता है, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरी लाल के साथ, खबरें आपकी नजर हमारी।